वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ आपकी दोस्त इशिता। और जैसे कि कल भी बारिश हो रही थी और मैंने कॉफ़ी बनाई थी, और उस टाइम मैं सोच रही थी कि काश कल छुट्टी हो जाती, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा रेनफॉल होती है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं वो डिक्लेयर कर देते हैं छुट्टी। तो लकीली कल ऐसा ही हुआ। जैसे मैंने कल वीडियो अपलोड किया उसके बाद हमें नोटिस आया कि कल हमारी छुट्टी है। तो बेसिकली आज भी मेरी छुट्टी हो गई और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना है। और बारिश अभी बाहर हो रही है, आपको आवाज़ आ रही होगी आई थिंक। एंड मेरा मन है पकौड़े बनाने का और चाय पीने का। इट इज़ अ मस्ट टू हैव थिंग इन रेन्स। तो अभी मैं पकौड़े बनाऊंगी और चाय बनाऊंगी और गरम गरम चाय पकौड़े लूंगी इस बारिश में। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी भी वीडियो बना लूँ। सो यार लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले वो सारा पेस्ट बना लेंगे। मैं सोची थी प्याज और आलू डाल के मस्त सा एक पेस्ट बना के फिर इसको हम फ्राई करेंगे और फिर चाय बनाएंगे। तो पहले सब कुछ इकट्ठा कर लेते हैं फटाफट से। वैसे तो इसमें क्या क्या डालना है सबकी अपनी इंडिविजुअल मर्जी रहती है, बट मैं थोड़ा थोड़ा जो मेरे पास है इंग्रेडिएंट्स वो सब डालूंगी इसमें और देखते कैसे पकौड़े बनते हैं। सबसे पहले हम इसमें वो पेस्ट बना लेंगे अपना मस्त सा आलू और प्याज के साथ और फिर फ्राई करेंगे। और अब तो बड़ा ही मन कर रहा है खाने का। तो आप मुझे और भी आइडियाज़ दो कि बारिश में और क्या क्या कर सकते हैं सारा दिन घर रह के। पर करने को तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब असल में सिचुएशन होती तब समझ ही नहीं आता कि क्या करना है। तो आप लोग क्या क्या करते हो प्लीज़ मुझे बताना। और इस सिचुएशन में मुझे लगता है कि आई एम ग्लैड कि मैं रूम में रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं पीजी में रहती तो मैं इतने मज़े नहीं कर पाती शायद। बट कुछ पीजीज में किचन होता है तो ऑब्वियसली वो बच्चे मज़े कर सकते हैं। पर हाँ बारिश में तो बोर मत नाम लो, बारिश से तो मुझे इतनी नफरत हो चुकी है अपना कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकती। और मेरे पापा को ये वाले पकौड़े बहुत ज़्यादा पसंद है, तो जब भी बारिश होती है तो वो हमेशा कहते हैं कि पकौड़े 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 बनाओ आलू और प्याज वाले। तो वो इसको ज़रूर मिस करेंगे, पर असल में मैं शायद मिस कर रही हूँ। उन्होंने तो बना के खा भी लिए होंगे घर पे इतने दिनों से, और मुझे ये अब याद आ रहा है कि शायद मुझे ऐसा करना चाहिए। एनीवेज मेरे को भी अपनी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ेगी ना बना के। तो ये तो हो गया, इतना काफ़ी है, मतलब मुझे मेरे लायक इतना बहुत ज़्यादा है। वैसे इसमें हरी मिर्ची भी डालनी चाहिए, पर मेरे पास हरी मिर्ची है नहीं, तो हम इसमें रेड चिल्ली का पाउडर डालेंगे। पहले हम इसमें बेसन डाल लेते हैं और फिर मेरा बड़ा मन कर रहा सच में। तो ये तो हो गया है रेडी अब बिल्कुल। और थोड़ी सी मैं इसमें मिर्ची डालना चाहूँगी क्योंकि मुझे लग रहा है वो कम है। अब हम इसको फ्राई करते हैं। तो अभी इसको हम थोड़ा ठंडा गर्म होने देंगे, इसमें थोड़ा पानी है। तो मेरे पास ना वो वाले चिप्स हुए जो हम बचपन में नहीं खाते थे, वो बेल वाला लेके आता था टन 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 करके जाता था और उसके पास वो कलर कलर वाले चिप्स होते थे, आई थिंक मेरे पास वो वाले भी हैं। और उसको भी मैं फ्राई कर सकती हूँ, ये है इसके अंदर। थोड़े से इसको भी बना लूँगी, एक ये येलो वाले हैं और एक ये वाले हैं, इसको भी डालूँगी। थोड़े से ये हो जाएंगे, थोड़े से दूसरे वाले पकौड़े हो जाएंगे, पर फिर मुझे भूख बचेगी क्या डिनर के लिए, लेट्स सी। और यहाँ पे मैं दूसरी साइड चाय रख दूँगी अब, ताकि चाय भी साथ साथ में बन जाए हमारी। और लेट नहीं होने चाहिए ना हम। सो बस यहाँ पे चाय रेडी हो रही है और साथ में मैंने पकौड़े डाल दिए थे फ्राई करने के लिए। सो चाय इज़ इलायची और अदरक वाली मस्ट, इसके बिना तो चाय पीने का कोई मज़ा नहीं है। और अदरक और इलायची वाली चाय वैसे भी हेल्दी होती है, और अगर आपको कोई ठंड है सर्दी लग गई है तो उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो बस यहाँ पे मैंने अपना जो भी बैटर बनाया था बेसन और आलू प्याज के साथ वो सारा डाल दिया है कढ़ाई में फ्राई करने के लिए। एंड थोड़ा वेट करेंगे जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते, फ्राई नहीं हो जाते हैं। एंड कुछ इस तरह से पकौड़े दिख रहे थे, मतलब वैसे जैसे शॉप्स में मिलते हैं वैसी शेप तो
नहीं थी, बट हाँ कुछ ऐसे थे। एंड यहाँ पे मैं सेल्फी ले रही हूँ मिरर में और बाहर से आपको व्यू दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सो बाहर कुछ ऐसा व्यू था। इस टाइम बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी जो कि इसमें विजिबल तो नहीं है, बट हाँ काफ़ी बारिश हो रही थी, सब जगह धुंध हो रखी है। और ये मेरी रूम की दूसरी साइड से व्यू है, तो आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा ठंडा मौसम लग रहा है यहाँ पे। तो बस इसके बाद मैं अंदर आ गई चेक करने के लिए कि हाँ मेरे पकौड़े बने हैं कि नहीं, और जब तक मैंने आपको बाहर व्यू दिखाया तब तक पकौड़े भी फ्राई हो गए। एंड अगेन फिर मेरी चाय रेडी थी और सब कुछ रेडी हो गया था, अब बस प्लेट को सजाने की देर थी। सो गाइस, इतनी मेहनत के बाद ये मेरे पकौड़े तैयार हैं, और ये मैंने जो चिप्स फ्राई किए थोड़े बहुत वो, और ये मेरी चाय, तो फाइनली ये रेडी है। और मुझे खांसी आना शुरू हो गया है तेल की उससे, बट ठीक है। तो ये रेडी है और अब इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। तो ये कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, ऐसा व्यू है मेरी विंडो के पास से। यहाँ मैंने अपनी बुक्स रखी हैं सारी, और यहाँ पे ये है, तो अभी मैं इसको हटाऊंगी। सो बस ठंडा मौसम, गरम गरम पकौड़े और चाय, फाइनली डन। वैसे टाइम तो बहुत लगा, लेकिन अब मज़ा भी उतना ही आने वाला है। पता नहीं है बारिश कब बंद होनी है। अदरक और इलायची वाली चाय और पकौड़े, दिन बन गया मेरा आज। मुझे ऐसा लग रहा है मैं इतनी आलसी हो गई थी सुबह से, बट फाइनली मैंने कुछ ना एक्टिव काम किया है, मुझे ऐसा लग रहा है। आई डोंट नो मैं ख़त्म कर पाऊंगी कि नहीं, बट लेट्स सी। वैसे मैं यूजुअली ऐसे ही करती, और मेरे पास स्पीकर था तो मैं स्पीकर पे गाने चलाती। अब मैं अगर वीडियो में चलाऊंगी तो मुझे उस पर कॉपीराइट आ जाएगा, तो मैं प्ले नहीं कर रही हूँ, लेकिन दिमाग में मेरे गाने ज़रूर प्ले हो रहे हैं। और गाने भी ऐसा नहीं है कि लाइक सिर्फ अभी के, समटाइम्स मैं ओल्ड सॉन्ग सुनती हूँ, उनकी अलग ही वाइब होती है। जगजीत सिंह के सॉन्ग्स, उनकी तो क्या ही बात करें, किशोर कुमार के सॉन्ग्स एंड अभी अरिजीत सिंह के, मतलब अलग अलग मूड के हिसाब से आई प्रोसीड। और वैसे ठीक है, मन के हिसाब से करना चाहिए जो भी करें। नहीं, अब कल 15 है, कल से फिर से हमारी छुट्टी है। अब कल मैं क्या नया करूँगी मुझे नहीं पता, शायद कुछ ना भी करूँ, पर शायद कुछ कर भी लूँ, तो वो कल ही पता चलेगा और आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अब मैं थोड़ा कॉन्स्टेंट होना चाहती हूँ अपने यूट्यूब को लेके, मैंने बीच में बहुत ज़्यादा गैप दे दिया था, बट फाइनली आई जस्ट वॉन्ट टू गेट बैक टू दिस। लेकिन इतना कुछ होता है सारा दिन करने में, वीडियो बनाने का टाइम नहीं लगता। अभी तो चलो थोड़ा फ्री हो तो सोचे बना रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं बिल्कुल लाइक टच में रहूँ अब बिल्कुल कॉन्स्टेंटली हर चीज़ के। सो लेट्स जस्ट सी क्या रहता है। इस बार बारिशों में बहुत ज़्यादा ट्रेजेडीज़ हुई हैं हर जगह, बहुत कुछ मिस हैपनिंग्स हुई हैं। सो फाइनली ये सब बंद हो जाना चाहिए, एंड एक कॉन्स्टेंट फेज़ अब आ जाए तो बेटर है, और सब सेफ रहे यही है। इस मौसम में तो घर भी नहीं जा सकते, एंड जाना भी सेफ नहीं है। सेकेंडली तो जहाँ हो वहीं मज़े करने की कोशिश करो और खुश रहने की कोशिश करो, क्योंकि हमारी लाइफ है, हमने कैसे जीनी है इट ऑल डिपेंड्स अपॉन अस। बस चल रहो, हेक्टिक शेड्यूल तो रहेगा ही, और भी बहुत सारे काम तो आपको करने ही पड़ेंगे, बट खुद के लिए टाइम निकालना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबके लिए टाइम निकाल रहे हैं, बस थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालो तो आपको ज़रूर अच्छा फील होगा। लाइक आई स्टे अलोन, तो मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि हाय अब क्या ही करें, लाइक यू हैव नो वन टू कन्वर्स, नो वन टू टॉक टू यू, तो उस टाइम पे सेल्फ टाइम इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो बस ये मेरा सेल्फ टाइम चला है, एंड ये वो बचपन वाले चिप्स जिनको हम यूँ फिंगर्स के अंदर डाल के यूँ कचकच करके खाते थे, मैं मेरे भाई हम यही करते थे, हम अपने 10 फिंगर्स में डाल लेंगे एंड यू विल जस्ट फिनिश इट। एंड बस उसका भी अलग ही मज़ा था, लाइक दोज टाइम्स हैव गॉन, बट हम उनको रिकॉल कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं और cherish the happy moments, that's it। बातों बातों में मैंने सच में ये फिनिश कर दिया है।
नाइस, अब पता नहीं मुझे कब भूख लगेगी, बट फिलहाल मेरा पेट शांत है, मैं भी शांत हूँ। आई एम डन विद दिस। हाँ सच में टम्मी बड़ी फुल हो गई है और अब बारिश भी ज़्यादा ज़ोर से लगना शुरू हो गया। शायद आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि ये बड़ा बड़ी आवाज़ करता है, और अगर रात को ये आवाज़ हो रहा तो मुझे बड़ी एनीवेज इसके बारे में बात नहीं करते। सो या दिस वॉज इट एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और वैसे ये मैं अपने लिए मेमोरीज़ क्रिएट कर रही हूँ, और अगर आपको ये मेरी मेमोरीज़ अच्छी लग रही हैं तो आई एम वेरी ग्लैड, आई विल बी वेरी हैप्पी। एंड प्लीज़ जिस तरह से आपने आज तक मुझे प्यार दिया है, बस ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। और इवन इंस्टाग्राम पर रिप्लाई करते हैं कि वी स्टार्टेड आर डे विद योर वीडियो, तो मतलब यू फील रियली वेरी ब्लेस्ड। मतलब मैंने इतना ज़्यादा मतलब फैमिली क्रिएट हो चुकी है यूट्यूब पे, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। 2K ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड अगर उसमें से कोई एक पर्सन या दो पर्सन या तीन लोग आके भी मुझे ये कहते हैं कि लाइक हमें बहुत अच्छा लगता है आपकी वीडियोज़ देख के, तो आप तो मतलब आपका जो पर्पस है ना वो कंप्लीट हो जाता है। और आई जस्ट कांट एक्सप्रेस दैट हैप्पीनेस इन वर्ड्स कि मुझे कैसा लगता है, बट आई एम वेरी ब्लेस्ड, आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि आप लोग इतना ज़्यादा प्यार देते हो। और मतलब आई जस्ट डोंट नो व्हाट टू से, थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड ऑल योर सपोर्ट। सो या दिस वॉज इट फॉर टुडे, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। सो या दैट्स इट, और फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड स्टे सेफ, और घर पे रहिए, ज़्यादा अभी बाहर घूमने का कोई पॉइंट नहीं है, तो प्लीज़ स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। सो या दैट्स इट, बाय बाय।